वेलकम टू शमीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम फिफ्थ क्लास हिंदी का लेसन 9 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। पहले हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में थे। विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट में डैश डैश थे, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा वकील थे। क्या थे? वकील। नेक्स्ट देखते हैं, बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा घर पर ही हुई थी उनकी आरंभिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र की माता का नाम डैश डैश था। उनकी माता जी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी। क्या था? भुवनेश्वरी। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर आ जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, हमें यहाँ पे टू कॉलम्स दिए गए हैं, क एंड ख। ठीक है, इन दोनों को मैच करना है और हमें सही जोड़ी बनानी है। विवेकानंद का बचपन का नाम, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा नरेंद्रनाथ। क्या था? नरेंद्रनाथ। नेक्स्ट, विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। नेक्स्ट, भगिनी निवेदिता का असली नाम है, भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या है? मार्गरेट ई नोबेल। मार्गरेट ई नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मा समाज, इसका जो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुतरी प्रश्न। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ अति लघुतरी प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? इसका आंसर आ जाएगा, विवेकानंद बचपन में अपना समय पशु पक्षी, गाय बकरी कबूतर मोर आदि के बीच बिताते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के माता पिता का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था? आंसर आ जाएगा, विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम था भुवनेश्वरी। ठीक है, माता जी का नाम था भुवनेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? इसका आंसर आ जाएगा, अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए, अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए बेचैन थे, इसी सिलसिले में वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया था? विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया था? आंसर आ जाएगा, उन्होंने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था। शिकागो शहर में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, लघुतरी प्रश्न। अब हमें यहाँ पर लघुतरी प्रश्न देखना है। फर्स्ट में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? आंसर आ जाएगा, विवेकानंद का जन्म भारत के कोलकाता में जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व के दिन हुआ था। ठीक है, महासंक्रांति पर्व के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? उन्हें अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? आंसर, स्वामी विवेकानंद अपना प्रश्न, क्या अपने ईश्वर को देखा है? क्या अपने ईश्वर को देखा है? लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने विवेकानंद के प्रश्न का समाधान कर दिया। उन्होंने विवेकानंद के प्रश्न का समाधान कर दिया। उन्होंने कहाँ हो, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? आंसर आ जाएगा सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से तीन दिक पूर्व नरेंद्रनाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, यह कहकर उत्तराधिकारी बनाया। आज सब कुछ तुम्हें देखकर मैं रक्त बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा सुशीत को तुम्हारे अन प्रविष्ट कराया है, उसे तुम महान कार्य करोगे।